हेलो दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता, GK Tech by RMU में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज हम लेखपाल के रिज़ल्ट के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर इतना समय हो गया, लेखपाल का रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लेखपाल के पेपर को हुए, लेखपाल में 8085 जगह थी, 8085 जगह थी और इसका पेपर को हुए 8 मंथ प्लस हो चुके हैं, 8 मंथ प्लस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट की कोई खबर नहीं है। और STF की भी जांच चल रही है। STF ने जहां बताया था कि 15,000 लेखपाल में संदिग्ध हैं, 8,000 जगह हैं और 15,000 संदिग्ध हैं, तो भर्ती रद्द ना हो जाए, ऐसा भी कुछ सोच रहे थे स्टूडेंट कि भर्ती रद्द ना हो जाए, गवर्नमेंट भर्ती रद्द ना कर दे। बट STF की जाँच कम्प्लीट होने के बाद जब इसकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन पेपर को 8 महीने हो चुके हैं, आप खुद सोचिए कैसे STF जांच कर रही होगी, क्या चल रहा होगा पता नहीं। बट अब 1 महीने चुनाव का सीज़न चलेगा, जैसा कि आपको पता है यूपी में निकाय चुनाव हैं, तो इस 1 मंथ तो कुछ नहीं होगा। इस 1 मंथ के बाद प्रोसेस हो सकता है थोड़ी तेज़ हो। पैट जो कि 25 जनवरी को हुआ था, पैट का एग्ज़ाम, सॉरी 25 जनवरी को रिज़ल्ट आया था 2023 में, 25 जनवरी को पैट का रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट के बाद से 3 महीने को होने को हैं पैट को भी, लेकिन पैट के थ्रू भी कोई भर्ती देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब यूपी में आचार संहिता लग जाएगी, तो आपको जो UP SSC पैट के थ्रू भर्ती तो आएगी, गवर्नमेंट को भी पता है भर्ती तो देनी है, भर्ती तो आएगी। ये आचार संहिता के बाद UP SSC की, जो हमने कहा था, अगर आपने कोई वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखें, हमने पूरी बताई आपको कि कौन कौन सी संभावित हैं भर्तियाँ UP SSC पैट के थ्रू। यूपी में लेखपाल के भी ये 8085 पदों को भरने के बाद भी, यूपी में 8085 पदों को भरने के बाद भी 4000 प्लस लेखपाल के पद खाली हैं, उस पर भी भर्ती होने की संभावना है कि 2022 के पैट से ही हो। आप खुद सोचिए 8000 लेखपाल जो अभी भर्ती होने हैं, 4000 जगह खाली हैं, यानी 12,000 लेखपालों की जगह यूपी में खाली हैं और इतने कम लेखपाल यूपी का काम चला रहे हैं, तो आप खुद सोचिए भ्रष्टाचार कितनी चरम सीमा पे होना होगा। जिस लेखपाल के पास एक गांव होना चाहिए, उसके पास 5-6 होंगे, 8-10 होंगे, लोड इतना ज़्यादा होगा तो पैसा तो लेगा, पैसा ले लेके काम करेगा। आप बताएं, अगर आपने भी किसी लेखपाल को पैसे वैसे दिए हों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपके पास के लेखपाल भी कुछ ऐसे ही हैं। खुद सोचिए गवर्नमेंट 12,000 लेखपालों के बिना सरकार चला रही है, सारे कामकाज ठीक प्रकार से चल रहे हैं, हो रहे हैं काम, तहसील पे आप 5 चक्कर मारो जब जाके आपका काम होगा। लेखपाल की भर्ती 2023 में ये कंप्लीट होनी चाहिए, 2023 में लेखपाल की जो 8085 पद हैं वो भर्ती पूरी हो जाएगी। STF भी अपनी जांच का रिजल्ट जल्द ही दे देगी, पैट के थ्रू भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो आप अपनी तैयारी को और भी बेस्ट बनाने के लिए, अगर आपको लगता है कि आपकी GS हार्ड है और आपको लगता है GS हार्ड है और आपको लगता है GS आपको याद नहीं होती है, तो आप RMU सर के GS के नोट्स, बेहतरीन नोट्स जिससे आपका GS का डर ख़त्म हो जाएगा, आप उन्हें हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलती है UP SSC पैट के थ्रू, पैट के लिए या फिर कोई वैकेंसी के लिए, हम आपको सूचित करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।